Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to study about fragmentation, which is again a process through which plants reproduce. Okay, so let's read it out. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. आपने ऐसा देखा होगा कि slimy green patches जो होते हैं वो ponds में present होते हैं या फिर जो पानी ठहरा हुआ होता है stagnant water, these are algae. तो जो वो स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन के पानी पे, दैन सबको एल्गाई बोलते हैं. व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गाई ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन. अब व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गाई? दिस इज फ्रैगमेंटेशन. ओके, व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों अवेलेबल होते हैं तो एल्गाई बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं. एंड एल्गा ब्रेक्स अप इन टू टू और मोर फ्रैगमेंट्स. जो एक एल्गा होता है वो दो या दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है. दीज फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल्स, और ये फ्रैगमेंट्स और पीसेस एक नए इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं बहुत कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन. इन चैप्टर वन यू लर्न दैट द फंगी एंड अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन. सो देयर वाज एन एक्टिविटी वी हैव स्टडीड, दैट वाज एक्टिविटी 1.2 इन चैप्टर वन. यू नीड टू गो थ्रू दैट एक्टिविटी वंस अगेन एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू फर्दर. ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन, कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड. जो हमने ब्रेड का एक्टिविटी परफॉर्म किया था 1.2, उसी तरीके से हमने ऑब्जर्व करना है. देखेंगे स्पोर्स जो हैं वो मेस ऑन ब्रेड, ब्रेड पे आ जाते हैं. ठीक है, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये बहुत हल्के होते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. ये जो स्पोर्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं. ईच स्पोर इज कवर्ड बाई अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. जो सारे स्पोर्स होते हैं ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी मैनेज कर सके. सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं. अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फेवरेबल कंडीशंस में ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट होता है और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है. प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स. ये जो प्लांट्स लाइक मॉस होते हैं, फर्न्स होते हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन. ओके, वील स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.